हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। मैंने देखी अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई एक नई तमिल मूवी जिसका नाम है महान, जिसको डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्बाराज ने। और अगर बात करें स्टार कास्ट की, इस मूवी के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं चियान विक्रम, ध्रुव विक्रम और बॉबी सिम्हा जैसे कलाकार। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की, ये मूवी हमको क्या कुछ अलग दिखाती है। तो कहानी है गांधी महान नाम के कैरेक्टर की, जो प्ले किया है चियान विक्रम सर ने। अब जो गांधी महान होता है, उसके जो पिता होते हैं वो गांधी जी के आदर्शों को बहुत ज्यादा मानते हैं, और उनके जो दादाजी होते हैं वो तो शराबबंदी के आंदोलन में भी शामिल हुए थे। इनसे प्रभावित होकर गांधी महान के जो पिता होते हैं उनको जन्म के बाद गांधी महान नाम देते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी अलग होती है, पर उनको जो बर्थ सर्टिफिकेट उनका बनाया जाता है वो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का बनाया जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनके घर में एक गांधी जी के आदर्शों को लेकर क्या माहौल क्रिएट किया हुआ है। बचपन से वो गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करते हैं, बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, तब तक भी वो फैमिली के प्रेशर में गांधी जी के आदर्शों को ही फॉलो करते हैं। और उनके अंदर एक टीस रहती है, एक अंदर की ख्वाहिशें होती है कि वो भी अपनी जिंदगी खुलकर जिए, मतलब पूरी आजादी के साथ जिए। अब उसमें आता है उनकी गैम्बलिंग और शराब वगैरह पीना। अब उनका आता है 40वां जन्मदिन, जिसमें वो दोस्तों के साथ मिलकर एक दिन शराब पी लेते हैं। अब इस बात से उनकी जो पत्नी होती है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अब उनके जाने के बाद जो गांधी महान होता है वो इसी धंधे में उतर जाता है, मतलब गैम्बली और शराब के कारोबार का काफी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। उसके बाद आता है कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जिसका नाम है महान, जो आपको मिल जाएगी अमेजोन प्राइम पर। अफसोस की बात यह है कि ये वहां पर सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ही अभी मिलेगी, तो अगर आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के अंदर क्या कुछ अच्छा देखने को मिला और क्या कुछ बुरा देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की, तो जो उसकी कहानी है वो थोड़ी यूनिकनेस आपको जरूर लग सकती है। मतलब आज के टाइम में इस तरह की कहानी बनाना, गांधी जी के आदर्शों को एक पूरी फैमिली मानती है, और आज के टाइम में ऐसे गांधी जी के आदर्शों को मानने के बाद फैमिली को जो दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इस कहानी के अंदर काफी आराम से, काफी सॉफ्ट वे में हमारे सामने देखने को मिला है। मतलब कहानी के साथ कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है, एक जिस तरह की कहानी उठाई है उसको अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ डालकर एक बहुत ही प्यार से, एक आराम से हमारे सामने पेश किया गया है, जो देखना काफी सुखद लगता है। बात आती है इसकी स्क्रीन प्ले की, मूवी के जो फर्स्ट हाफ के 20 मिनट्स हैं वो आपको एंगेजिंग लगते हैं, क्योंकि वहां पर कहानी से हिसाब से बिल्डअप होती है, एक कनेक्शन फील होता है इस कहानी के साथ। पर जैसे 20 मिनट गुजरते हैं फिर इसका जो स्क्रीन प्ले है वो कहीं पर टाइट और कहीं पर लूज हो जाता है। मतलब मूवी की जो पकड़ है वो कम्प्लीटली बन नहीं पाती अपने ऑडियंस के ऊपर, कहीं पर मूवी की पकड़ टाइट रहेगी तो कहीं पर मूवी ढीली छूट जाएगी, मतलब कहीं कहीं पर आप इसमें बोरिंग फील करोगे। बात आती है सेकेंड हाफ की, सेकेंड हाफ जैसे ही आएगा फिर कहानी के अंदर ट्विस्ट आने स्टार्ट होंगे, और आप एक जो बोलते हैं ना एक उत्सुकता होती है मूवी देखने की अब आगे क्या होगा, वो एक बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। जैसे मूवी बढ़ती जाएगी वो उत्सुकता आपकी बढ़ती जाएगी, पर फिर कहानी के अंदर एंट्री होती है ध्रुव विक्रम की, मतलब चियान विक्रम सर के ओरिजिनल बेटे, जो फिल्म में भी उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। वो मूवी के अंदर क्या बने हैं, उनका क्या रोल है, कहानी के अंदर वो कौन सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। बात करें पर एक्टिंग परफॉर्मेंस की, तो चियान विक्रम सर की बेहतरीन लाजवाब वाली एक्टिंग इस मूवी के अंदर भी देखने को मिली है। गांधी महान का जो कैरेक्टर है, बचपन जवानी और उनके बुढ़ापा सब कुछ इस मूवी के अंदर कवर किया गया है, और हर एक एज में उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस लाजवाब लगी है। चाहे फिर बात उनके डायलॉग डिलीवरी की हो, उनके एक्शन सीन्स की हो, उन्होंने छाप छोड़ी है पूरी मूवी के अंदर। वो जहां पर भी देखने को मिली है उन्होंने पूरी मूवी को कवर करके रखा है, पूरी लाइमलाइट उन्हीं के ऊपर रही है। बात करें ध्रुव विक्रम की, उनका फेस ऑफ जहां जहां चियान विक्रम सर के साथ देखने को मिला है वो सीन देखते ही बनते हैं। मतलब उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस, पिता के सामने ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा हो, बाप बोल रहा है कि मैं तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूं, बेटा बोल रहा है कि मैं तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूं, और यहां पर अगर किसी का फुल एंटरटेनमेंट हुआ तो वो हुआ ऑडियंस का। मतलब दो बेहतरीन कलाकार जब आमने सामने एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं तो वो सीन्स देखते ही बनते हैं। दोनों की फाइट सीन्स, डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज में अव्वल है दोनों। हाँ, कहीं कहीं पर ध्रुव विक्रम जो है वो कहीं पर ओवर एक्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। मतलब उनका जो कैरेक्टर ऐसा लगता है कि वो ठीक से गढ़ा नहीं गया है, पूरे उसमें एक ही एक्सप्रेशन उनके देखने को मिलेंगे कि जब से वो मूवी के अंदर आएंगे बस लगेगा कि जैसे बदला बदला, पूरी मूवी के अंदर बदला उनके ऊपर सवार है, तो उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो भी एक तरह के ही देखने को मिलते हैं, जो चीज
थोड़ी अखरती है। बात करें इसके क्लाइमैक्स की तो वो लाजवाब है, वहां पर एक आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो आप आसानी से गैस भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं। मैंने वो ट्विस्ट गैस कर लिया था कि हाँ अब क्या होगा, पर ट्विस्ट अच्छा है, क्लाइमैक्स आपको संतुष्ट करता है। बात करें इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की, वो डिसेंट है, मतलब ज्यादा असरदार नहीं बोल सकते और ज्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, ठीक सा इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिला है। कार्तिक सुबहराज की बात करें जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, उनकी हर मूवी की तरह ये मूवी भी सेम देखने को मिली है। मतलब जिस तरह उनकी हर मूवी में एक पॉलिटिकल टच डालने की कोशिश की जाती है, इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो एक ठीक ठाक एक वन टाइम वॉच मूवी है जिसको एक बार तो देखना बनता है। खासकर चियान विक्रम सर और ध्रुव विक्रम सर की जो एक फेस ऑफ है उसके लिए मूवी एक बार देखना जरूर बनता है, जो आपको अमेजोन प्राइम पर देखने को मिलेगी। अगर आपने मूवी पहले ही देख ली है, मूवी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मैं बात करूँ इसकी मूवी की रेटिंग की तो मेरी तरफ से मूवी को 3 out of 5 की रेटिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको पसंद आई हो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। अभी चलता हूं, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।